सो गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। सो इतना चिल्ला चिल्ला के, इतना बोल बोल के मेरी गला हो चुका एकदम जाम। और ये हमारे रूम में छोटा सा एक रात बिताने के लिए ये सही था, जो कि हमको पड़ा 600 रुपये का, जो कि हमको पड़ा 600 रुपये का। तो एक रूम के लिए बहुत बढ़िया था, क्योंकि यहाँ से ऊपर से दिखाता रुको, एक बार चलते हैं यहाँ से उधर मंदिर, यहाँ रूम, क्या घर है भाई। कोई नहीं कोई नहीं, गला खराब हो रखा भाई, बहुत ज्यादा चिल्ला चिल्ला के गई, पर बहुत ही ज्यादा जयकारे लगाए मैंने, बहुत ज्यादा जयकारे, मेरा गला एकदम जाम हो रखा पूरा। ऐसे पापा से बचना भाई, दर्शन तो आप नॉर्मल भी कर लोगे, इनके थ्रू भी करना हो तो कर लेना, पर जहाँ ये लेके जाएंगे कि ये करो आरती करो, नहीं, हमारी श्रद्धा यही थी, हम बहुत गरीब आदमी हैं तो ये लुटवा रहे हैं, इसलिए बच के रहना इनसे, ना खाली हो जाओगे। सो मंदिर की VIP लाइन यहाँ से चालू हो रही है, टिकट है तो यहाँ से जाओ, 250 रुपये टिकट है, बाकी यहाँ से रास्ता जा रहा है। सो यहाँ से VIP एंट्री है, 250 रुपये का पास बनेगा, सीधा अंदर एंट्री, जय बाबा। तो भाई एक कार्ड है, इससे एंट्री होगी VIP। शंभो, सो भाई VIP एंट्री भी ले ली हमने, क्योंकि यार 250 रुपये में क्या माड़ा, हमारी ट्रेन है 12 बजे की, और तो हम लाइन से जाते हैं, तो हमारी 12 बजे की ट्रेन है, इसलिए हम थोड़ा जल्दी जल्दी दर्शन करके, जितना जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी करके चलेंगे। हर हर महादेव। सो भाई पूरी खाली लाइन है, देखना क्या प्यारी लाइन है, बिल्कुल मासी को आने दो। भाई VIP दर्शन, और यहाँ से जा सकते हो पूरा आराम से दर्शन लेके, जाना हमको वैसे ही था जैसे हम गए थे पहले, पर थोड़ा टाइम की कमी थी, इसलिए हम यहाँ से जा रहे हैं, हमको तो मज़ा नहीं आएगा यहाँ से, क्योंकि तो जब भीड़ में मज़ा है ना, वही यहाँ मज़ा आया मसी, तो इसलिए हम ऐसे जा रहे हैं। सो हर हर महादेव। एक तू सच्ची सरकार, माँ झंडे बुलाना था मैंने कहा 250 रुपये यार घर जाके कमा लेंगे, एक दर्शन रह जाएंगे। अरे मम्मी की लचक, मेरी मामी की आज भाई 12 ज्योतिर्लिंग कंप्लीट हो गए, सो हर हर महादेव, मामी की 12 ज्योतिर्लिंग कंप्लीट हो चुके हैं, तो हर हर महादेव। भाई कल से भी बहुत बढ़िया दर्शन हुए हैं और बहुत आनंद आया, बड़ा मजा आया, मैं कह रहा हूँ VIP में चले जाओ, 250 रुपये क्या ही मारे हैं, VIP मतलब टिकट लेके अंदर जाने देंगे, तो अंदर जाओ, बहुत इंजॉयमेंट होगा, तो बहुत आनंद मिलेगा आपको, बहुत अच्छे दर्शन हुए, पूरा 4 बार में मत्था टेका, तो मज़ा आ गया। सो हर हर महादेव। सो मम्मी शॉपिंग कर रही है, मैं ऐसे ही घूम रहा हूँ पालों की तरह, कभी उसको ढूंढ रहा हूँ, कभी उसको ढूंढ रहा हूँ, कभी सामान में सारा बाहर रखा है, क्योंकि हमारा चेकआउट हो गया, तो मैं ऐसे सामान छोड़ा हूँ, और नानी को बिठा देगी, नानी बैठ दो मैं आ रहा हूँ 5 मिनट में। बाकी गाइस जो दर्शन हुए ना अभी बेहतरीन, ना 1 रुपया दिया ना कुछ, बस एंट्री का दिया 250 रुपये, पर जो दर्शन हुए ना बेहतरीन हुए, ना किसी पंडित को देने पड़े ना किसी को देने पड़े, आराम से एंट्री हुए, मत्था टेका 2-3 बार, बड़ा मजा आया भाई,
मेरे भोले बाबा ने मुझे दोबारा दर्शन दिए, थैंक यू सो मच। यहाँ भी बड़े अच्छे दर्शन हुए, उसके बाद जगन्नाथ जी में भी बहुत अच्छे दर्शन हुए, तो दोनों जगह ऐसे दर्शन हुए हैं कि दोनों भगवान को लग गया। तेरा मंदिर बिल्कुल सामने बड़ा प्यारा होटल है भाई, बहुत टेस्टी है और पैसे भी सही है। भाई इस बंदे ने दिमाग अपना 100% से भी 200% ज्यादा यूज कर लिया। कहा सो रहा है, इतनी भीड़ के अंदर आराम से सो रहा है, और इस घर बंदे आगे झुला भी रहा है, कृष्ण कृष्ण भगवान की तरह कुछ झुला के जा रहे हैं। सो प्रयागराज पहुंच गए हैं और देवताओं की धरती को जय श्री राम। सो यहाँ पर भगवान वास करते हैं और यहाँ पर हमारा बहुत बड़ा संगम भी है गंगा यमुना का, तो यही है। तो एक दिन आएगा कि हम वहाँ भी जाएंगे दर्शन करने, बाकी आज यहीं से उतर के दर्शन कर लिए, जय श्री राम। सो सुबह 6 बजे हमारे को ट्रेन उतार दी गई, अभी हो रहे हैं 9:10 बज रहे हैं, पता नहीं कितने बज रहे हैं, टाइम हो रहा है 9:10 बज रहा है बस।